सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं सोनीपत का क्षेत्र है जुलाना, और आप मेरे पीछे देख रहे हो इसमें जवान भी हैं बुजुर्ग भी हैं। ये देश का भविष्य तय करेंगे, किसको ये प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, किस पार्टी की मदद करना चाहते हैं और देश के हित में कौन सी पार्टी है, ये तो इनके मुँह से खुद ही सुनाएंगे। आइए मेरे साथ भाई साहब। सारे ने राम राम। पहले तो खुश हो, गर्मी तो नहीं मान रहे? गर्मी भी मान जावा तो। अच्छा चलो भाई से शुरुआत करते। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है? रामधारी जांगड़ा। रामधारी, कुछ राम में भी ध्यान है कि नाम नाम है? सारा ध्यान है, पूरा है। ठीक है, अभी पूरी आंधी आई हुई इलेक्शन की देश में, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे आप? मोदी को। राहुल को क्यों नहीं? रोल क्यों को, हमें देख मोदी देख लिया बनाया गया। मोदी का खूब विरोध कर रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। ये जाति की बात करता है, धर्म की बात करता है, कहीं किसान लटका रहे हैं, कहीं सरपंच लटका रहे हैं। मोदी ने क्या करा देश के लिए? देश के लिए मजदूरों के लिए तो घर बनवाए, राशन दिया और शौचालय बनाए। यानी मोदी ने काम करे हैं? काम करे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? पवन कुमार शर्मा। पवन, नो हो आवाज चल रही है, खड़ा पसीना रे, खड़ा चल रही है। ये पसीना तो आता तो नहीं था, पसीना तो गर्मी में आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। हाँ, हम देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा जी, हमारे गांव में 153 बच्चे इस सरकार के दौरान लगे हैं। कौन सा गाँव आपका? ब्राह्मणवास गाँव है। अच्छा जी, ये साथ में कॉलोनी ब्राह्मणवास की, तो हम यहाँ रहते हैं। मोदी सरकार में हमारे गाँव में 153 बच्चे जो बड़ी नौकरी भी, बीच की, छोटी, डी ग्रेड की, सब नौकरी लगी है। यानी बगैर पैसे, बगैर बिना रिश्वत के हमारे गांव में 153 बच्चे लगे 9.5 साल में। आपका शुभ नाम? पवन कुमार शर्मा। ठीक है पवन कुमार जी, फिर आएंगे बढ़ के। क्या नाम है भाई साहब? सर देव कौशिक। देव कौशिक, कौशिक साहब क्या करे बीजेपी ने देश के लिए? कराया कुछ? ये केवल ब्राह्मणवास के लिए जो इन्होंने कहा ना, ये शब्द में केवल ब्राह्मणवास के लिए नहीं कहूंगा, पूरे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज नौकरी के लिए ये कहेगी मुझे पैसे दो और मैं नौकरी लवा दूंगा। पहले से जो सरकारें थी 10-20-50-100 दलाल हुआ करते थे। हाँ जी, हाँ जी। आज कहीं दलाल ढूंढने से नहीं मिलता, दलाल इसलिए लोग डरते हैं कि कहीं मैं पैसे गेहूँ वैसे उठ लूँ और सरकार में अंदर डाल दे। यानी मोदी साहब ने रिश्वत खोई है? रिश्वत ये कहीं बिल्कुल बिल्कुल खत्म। दूसरा जी, आयुष्मान कार्ड का जो बेनिफिट मोदी साहब ने दिया प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को 30-30 लाख, मतलब परिवार में अगर 10-3-6 बंदे हैं तो 6 बंदों को 5-5 लाख का जो गिफ्ट दिया। अभी हमारे एक परिवार में मेरी जानकारी थी, उनको रात का हार्ट अटैक आ गया, 20,000 रुपया उनके घर का ब्यौत नहीं। हाँ जी, हाँ जी। होली रेट में गए अपने 4 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड कट के और जिंदगी बच गई। ठीक है, इससे बड़े क्या? क्या नाम भाई साहब? विनोद रोहिला। सर रोहिला साहब, किसको वोट देगा? नरेंद्र मोदी को देंगे जी वोट। जिसको पूछता हो नरेंद्र बहका तो नहीं रखे किसी ने? कहते बहका रखे हो मोदी ने, देश के लिए बहक रहे हैं। मोदी ने डर निकाल दिया। किसको देंगे भाई साहब? मोदी को। वोट किसको दोगे? इसका हाथ मत लगा, यो तो दिखने लग रहा है सबने। अच्छा बस एक ही कमल का फूल। हाँ भाई, आज का नहीं, आधा बगैर तो कुछ भी नहीं है। इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ। क्या नाम है? सतीश जोगी। किसको वोट दोगे? मोदी सरकार जिंदाबाद। ये सतीश बरादरी खड़ी है मानन धड़कू। ऐसा है बरादरी की कोई बात नहीं, सभी भाई बराबर है, बात है वोट की। वही तो आपकी वोट में ताकत है, वही नरेंद्र मोदी की वोट में ताकत है। ना मैं किसी डरता हूँ, जाति में ना मरते डरता हूँ। ठीक है, वो तो किसी की पूरा पूरा। आज भाई साहब, आज भाई साहब आप भी आ गया, आ गया भाई साहब, आ गया भाई साहब। देश राजप्रधान कटकार है अभी सोनीपत से, अभी सोनीपत से भाई साहब सुन के, योजना सुन के भाई साहब सुन के सुनो। 2,000 रुपए किसान ने दी, एक परिवार में 2 किनार जमीन भी है ना 2,000 मिलती है। मोदी सरकार ने राशन बेचा करते, 4-5 महीने राशन मिला करता। ऐसा डिजिटल सिस्टम कर दिया, अंगूठा लगा तो राशन निकला, कोई राशन की चोरी नहीं। गरीब आदमी राशन मिला, दाल मिले, तेल मिले। जो किसान अपने 100-100 मन अनाज बेचते है ना, वो भी राशन लेते हैं। गरीब आदमी को बहुत बुला कर रखा है सरकार ने, नौकरियों में रिश्वत खो दी। और इतनी तो 60 साल में कांग्रेस ने राज करा, नौकरी हमारे गांव में पहले लगी होगी। और इतनी 153 नौकरी बच्चों ने टेस्ट पाड़ के काम बोल लेगा जी। हाँ, काम बोल टेस्ट पाड़ के लागे। अर्थव्यवस्था को देखो, 9वें नंबर पे थी, आज के टाइम पे 4th नंबर पे इंडिया आ गई है। अगर कोई भी देश हमला करे 8 साल तक इंडिया को गुलाम नहीं बना सकता। मेरे जो आज का कभी भी राजनीति के इतिहास में इंडिया में कभी भी नहीं हुआ था। केवीएस में मेरी लड़की लेक्चरर लगी, सबसे बड़ी बात है जी। MSc बीएड थी, यदि कांग्रेस सरकार होती तो 50 लाख में भी नौकरी नहीं थी।
सिर्फ टेस्ट क्लियर करा, मेरी लड़की ने लेक्चरार लगी। लगभग 800 साल, नहीं एक मिनट, 800 साल मुगलों ने राज कराया, 800 साल राज कराया, उसकी बात में खुद राहुल गांधी बोलता है, मतलब हमारे पास रील बनी हुई है इसकी कि कांग्रेस तो मुस्लिम पार्टी है, क्या मुस्लिम के नीचे झुकाएंगे हमारे हुए, जातिवाद फैलाते हैं, मतलब हर, क्या नाम है, प्रदीप शर्मा नाम है जी मेरा, गांव लजवाड़ा खुर्द से जी। अच्छा जी, और ये बात नहीं है कि मोदी को सपोर्ट करें, मोदी ने अपना काम किया जी सपोर्ट करने का, ये बात बोल लो। एक बात बताओ आप, हाँ जी, आप मोदी को वोट दे रहे हो, पार्टी को दे रहे हो या काम को दे रहे हो? काम को, हम सर काम को वोट दे रहे हैं और काम कर रहे हैं मोदी साहब ने, और ये काम राहुल गांधी कर देते हो? अगर अगर नहीं नहीं सुनो, विश्वास नहीं, विश्वास नहीं कर देता तो, पहली बात तो अगर ये काम करता तो मोदी आता क्यों, ये बताओ मेरे को आप, अगर ये काम करता, 70 साल का इतिहास हो गया, इन्होंने देश को लूट के खाया है, 60 साल कांग्रेस, हर एक ऊपर सीबीआई जांच, कांग्रेस के 5 लीटर कोयला घोटाला, तो घोटाला इतने घोटाले हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपको पता है कोयले घोटाले में नवीन जिंदल फंसा हुआ है और अभी बीजेपी में जा बैठा तो मुकदमा चल रहा है, वो तो कोर्ट नहीं निकलेगा, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो जो बीजेपी जो डिफॉल्टर उनको नहीं दे रही है, जब तक है। नहीं सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, यदि पूंजीपति ना हो तो देश के कितनी नौकरियां दे रखी है, कितना पैसे कमाए थे, कितनी फैक्ट्री है जिंदल की, कितनी फैक्ट्री, कितना रोजगार दे रहा है, कितना टैक्स दे रहा है रेल फैक्ट्री की जिंदल की। ठीक है भाई साहब एक मिनट आपसे पूछूंगा, मोदी साहब पे पूरे तोमंड लग रही है, आक लाल किला भी बेच के खाया गया, कोई रजिस्ट्री दो जी, लाल किले की रजिस्ट्री दिखाओ। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मैंने गीत गाया था सर, एक बार सारे शांति चाहूंगा, एक लाइन सुनाऊंगा जी, जो यूट्यूब पे मेरा गीत है मोदी जी के ऊपर है, गीत के बोल हैं, देश ने जानते भी प्यारा, यो मोदी पीएम न्यारा, यो राम राज आवेगा, कोई जोर लगा लो सारा, मोदी 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 घर घर में है मोदी, हर हर मोदी जी, घर घर मोदी जी। बीजेपी ने काम कराया जी अपना, बीजेपी ने काम कराया है और काम करके दिखाया है, 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने वाले गरीबों को देखा जी, इतना अनाज जब लोगों को दिया है उसी में तो इन अपनी किस्त निकाली, सच्चाई बात है जी यार, कोई बंदा मना कर दियो, किसानों का 2000 रुपए भत्ता किसने शुरू कराया है, किस किसने शुरू कराया, अपने जातिवाद कहीं मत फैलाओ, ये देश ही अपना है, जो काम धंधा तो उसने मिल लगा भाई साहब, जो रोजगार का लायक हो, अभी आप सीट पर जाकर बैठ जाओ, नॉलेज आपने 2 रुपया की नहीं यार। ठीक है भाई साहब, छत पे ना सुहाओ, हम नींद में चलते हैं, वोट एक दो की बात ना करो, हम भुगते की बात करते हैं, तो यहाँ तो सारा पूरा बीजेपी ही भरा है। ठीक है, एक बुजुर्ग भी है, क्या नाम है जी, रावक है, क्या नाम है जी, देशराज देव जी, किसको वोट दोगे, मोदी को, राहुल को क्यों नहीं, कांग्रेस को क्यों नहीं, कांग्रेस को, हाँ कांग्रेस ने 60 साल में, 60 साल में राज कराया, तभी कराया, उन्होंने काम कराया है, एक कोई काम नहीं कराया, लूट का खाया है भारत, पूरा भारत लूट रखा है। अच्छा, इसने पूरी दुनिया में मानना है, पूरी दुनिया पैर पकड़ती है नरेंद्र मोदी के, कहीं भी किसी देश में वाकम चला जाओ, किसी भी देश में वहाँ पैर पकड़ते इसके, क्यों, क्योंकि इसमें दम है, इसने गरीबों के लिए अमीरों के लिए किसी के साथ धोखा नहीं किया है, कौन है मेरे को बता दो, कौन है वो, ये राशन नहीं लेता, कौन ऐसा आदमी है, एक बताऊं, राशन से कभी उभर नहीं का, जब तक आदमी खुद नहीं कमाओगा आगे नहीं उभर सकता, आप दे जाओगे उसमें दुना बैठेगा, अगर राशन दावे अच्छी नीति नहीं है, अगले एक बात बताओ, जुड़वाने में कुछ करे, बीजेपी इधर आगे बोलो भाई साहब, जो करने के लायक नहीं है उसको तो राशन से सारा मिला है, जिसको परिवार में कोई कमाणिया नहीं है बेचारे ने, उसे रोटी खाई, उसे किस्त भरी है, सच्चा उसे अपने बच्चे की पढ़ाई कराई, किराया दिया है, ये सच्चाई है, काम कराया बीजेपी ने जुड़ाना क्षेत्र में, जुड़ाना क्षेत्र में ऐसा जी, अपने भूपेंद्र लाग रहा है जींद में, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल लाग रहा है जींद का, पीजी अपने लग रही है, हाँ जींद में है वो, ऐसा आज जो बीजेपी ने काम कराए ना उनकी हम गिनती नहीं कर सकते, उनके डिटेल आपको बैठना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, ठीक, उनकी तो लिस्ट तैयार होगी, हाँ लिस्ट तैयार होगी, झूठ एक दो बात तक हो ना पूरा पट्टे साहब, सीधी सी बात है, बीजेपी का काम आगे लिस्ट बनाओ, जब पता लगेगा 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था 4th नंबर पे जब बीजेपी लेके आएगी तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा पीएम नहीं आना है कभी भी देश में, आगे पता नहीं कोई इस ताक के निकल जाए, पर ऐसा पीएम हमने नहीं देखा, जिसको जिसको पूरा वर्ल्ड जिस बंदे को अपना नेता मानता है वो नेता है मोदी, हुड्डा साहब आया था, हुड्डा साहब ने कह करी
हम किसी को गाली गलौज नहीं करे, किसी पार्टी को बुराई नहीं दिखा रहे। उड्डा साहब रोहतक से बाहर नहीं निकले जी, अगर निकला तो मेरे को एक भी चीज दिखा दो। जोलाना में हॉस्पिटल कॉलेज जींद में यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? जो जींद में यूनिवर्सिटी बनाई थी इसकी पहले आधारशिला रखी गई थी, आपने इस बात का पता है? आप बोलिए, वो आधारशिला किस क्षेत्र में पूरी है? जो गवर्नमेंट है वही पूरा करेगी, उससे पहले बीजेपी कब आई? अगर बीजेपी होती तो बीजेपी पूरा करके दिखाती। और ये जो यूनिवर्सिटी बनी है चौधरी रणबीर सिंह के नाम से क्यों बनी भाई साहब? किसकी? चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी क्यों बनी? और कोई लीडर नहीं लगे? ये तो अब अपना तो पत्थर सब लगाते हैं। तो बस सीधी सी बात है, तो किसकी बनी? किसके नाम से? बीजेपी नहीं लगाती किसी का। तो बीजेपी किसका लगाती? बीजेपी लगाती तो कोई ना कोई अच्छे लीडर को लेके लगाती है जिसने जो काम कराया है। चौधरी रणदीप सिंह हुड्डा ने अगर देश के लिए शहीद हुआ तो बहुत सारे शहीद हुए हैं जी, मानो बात। हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया उसमें मेंबर था रणवीर सिंह, जो मेंबर था उस तो बड़े बड़े भी हुए हैं जी, इतने हैं जिनका नाम भी ले रखा लोगों ने। और बता दूं उसका बाप था माथुराम, अंग्रेजों ने कहा माथुराम ये जनेऊ निकाल दे, बोले जनेऊ तो मेरी ये गर्दन कट के निकल सकता है। तो आप एक बात बनाओ उस परिवार नहीं, आप बताओ जी, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मैं तो आपके नाम से यूनिवर्सिटी बना दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी? आप बता दो मेरे को क्या नाम है भाई साहब? रणधीर जी। रणधीर? हाँ। ओ रक्षा करता ये रणधीर, कहाँ से हो? लिजवाना कला से। लिजवाना कला से? हाँ जी। ठीक है, अभी सोनीपत से दो कैंडिडेटों की टक्कर है। हाँ जी। बड़ोली साहब की और सतपाल महाराज की। सतपाल महाराज की। कौन से को बनाओगे? हम बड़ोली को बनाएंगे। सतपाल को क्यों नहीं? सतपाल के रखी तो उड़ा पूजा पाठ करदा पाओगा उत्तराखंड में। अच्छा, उस उड़ा जावांगे हम इसके दौरे। ठीक, वहाँ क्यों जाएगा? बनने के बाद तो यही रहेगा आपके बीच में। नहीं यार की तरह था वो, यो इबे भाजन हो रहा, यो इलेक्शन में भाजन हो रहा। इलेक्शन में भाजन हो रहे यार, डटिया खड़ा है। डटिया क्या खड़ा है? पूरा दफ्तर भरया, कुछ नहीं भरया, खाली पड़ा दफ्तर है। सुनो जी, पिंडारा जो है पवित्र स्थान है, वो बस शराब का ठेका थोड़ा है वहाँ पर। जो बात चल रही है नहीं सुनता, जब उसकी 25 तारीख निकलता है पहला बाजी लेगा। एक बात बताना चाहूंगा भाई साहब, मेरे घर अभी कुछ बंदे लड़के आए थे बीजेपी का प्रचार करने के लिए, ये करसोला गांव में गए, करसोला गांव में इनके साथ बढ़ाइया भद्र व्यवहार हुआ। बोला भैया अरे चले जाओ, पिट भी जाओगे। जो पार्टी किसी को प्रचार भी नहीं करने देती उसके जो समर्थक हैं तो उनकी वोट तो ऑटोमेटिक, अगर अभी वो ऐसा काम कर रहे हैं बगैर बने हुए, अगर वो बन के तो बनने के बाद क्या करेंगे? चलो भाई साहब, इन दोनों बीजेपी से भी कांग्रेस से थोड़ी हटके बात करते हैं। जेजेपी का अभी एमएलए है, उसने कुछ किया है यहाँ पर? गाड़ी का टड़ा बहन दिया, अच्छा ग्रहण बुरा बना दिया, बनाए थे किसी अभी से ऊपर क्या बताएं आप? बताओ, आप भी बोल सकते हो। नहीं मैं तो बता दिया, अच्छा करा बुरा करा कोई विषय में बन गया था। ठीक है, जब यहाँ था नहीं कोई ऐसा आदमी। अच्छा जी, अच्छा उस विषय में यू बनाया था जेजेपी का। जेजेपी का सही बात है, सही बात है। वो तो कोई विषय नहीं था, धोखा हो गया था वो तो। और ऐसा है जी, सुनो मेरी बात है, हर एक पार्टी को समर्थन लेने के लिए अपना मजबूत दावा पेश करना पड़ता है। बीजेपी ने अपना दावा पेश कराया है, अधिकार है। ठीक है, समय का अभाव दोस्तों, ये दिखाई हमने जोलाना क्षेत्र की रूपरेखा, और बने रहिए टोलाडून के साथ। मैं हूँ ऋषि पाल, सोनीपत लोकसभा से। जय हिंद, जय भारत। जय भारत भाई।